हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि मलाई से घी कैसे बनाते हैं। ये मेरे एक हफ्ते की मलाई है, तो मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था। इसमें दही डाल के मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो अब मैं इसका आपको 5 मिनट में बन जाता है। आप भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में जल्दी से घी कैसे बनाएं मलाई से। ये एक हफ्ते की मलाई है मेरी, 1 किलो दूध की मलाई है। तो इसको मैं 5 से 5 मिनट के अंदर इसको फेंटूँगी, थोड़ी देरी से फेंटने के बाद में, और इसको ऐसे धीरे धीरे निकल जाएगा इसका घी। सिर्फ इसमें 5 मिनट लगती हैं, बहुत आसानी से निकल आता है। और अब मैं इसके अंदर बर्फ़ डालूंगी थोड़ी सी। ये देखो इसका बन चुका है घी। अब इसका मक्खन बन चुका है। इसके अंदर आइसक्रीम मैंने डाल दी। वैसे इसका घी बन चुका है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसमें डाल दिया कि अच्छे से निकल जाएगा इसका घी। बन गया बस। तो आपको भी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में आजकल किसके पास इतना टाइम रखा है, मलाई को पहले फ्रीजर में रख दें और एक हफ्ते के लिए नीचे उसमें थोड़ा सा दही डाल दें। और दही डालने के बाद में हफ्ते की 1 किलो दूध की मलाई को ऐसे घी निकालें। आपके पास जितना भी है मलाई निकालते हो तो वो ख़राब नहीं होगी। आपका जो दही है, जो लस्सी निकलती है, वो भी आपके काम आ जाएगी। तो इसलिए इसको मैं ऐसे निकालती हूँ। तो घी मेरा बन के तैयार हो चुका है। हमने घी को अब इसको बस ऐसे घुमा के इसको निकाल लें। थोड़ा सा इसमें लस्सी थोड़ी सी निकलती है, जो आइस की है इनको बाहर निकाल दें। और मक्खन को एक जिस पतीले में मैंने रखा हुआ था उसी में मैं इसको निकाल दी। थोड़ा है, 1 कटोरी जितना लस्सी निकलेगी इसकी। ऐसे धीरे धीरे इसके गोले से बना लो 3। इसके बीच में बर्फ़ है ना, तो वो गिर रहा है, तो मैंने इसको धीरे धीरे से इसके पेड़े बनाना शुरू कर दिया। तो अब इसका 1 पेड़ा ये मेरा हमारा बन चुका है। अब इसको पतीले में निकाल लेंगे, दूसरा भी ऐसे ही उठाएंगे। इसके अंदर जो बर्फ़ पड़ी हुई है ना, तो उससे थोड़ा सा गिर जाता है नीचे, इसलिए इसको धीरे धीरे निकाल लें सारा। देखो कितना सा बस लस्सी थोड़ी सी निकली है इसकी। बस निकल गया अपना सारा, हमने घी निकाल लिया है। और इस लस्सी को आप पी भी सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं इसको। बहुत मीठी रहती है, खट्टी नहीं होती है बिल्कुल भी, ना इसको गर्म करने की ज़रूरत होती है कि पहले मलाई निकालो फिर उसको जमाओ फिर उसको निकालो। मैं सिर्फ सीधा इसको मलाई को खट्टा डाल के रख देती हूँ और उसको मैं निकाल देती हूँ। गाड़ी गाड़ी से अपनी लस्सी बन के तैयार है।
ये देखो इतना इसमें घी निकाल दिया। अब इसमें मैंने पानी डाला है। पानी डालने के बाद में इसमें मैं जिस पतीले में मैं घी बनाऊंगी तो उसमें मैं इसको बाहर निकाल लूंगी। पानी फेंक दूंगी और अब मैं इसको गैस चालू करके मैंने इसको रख दिया है पिघलने के लिए। अब ये घी बनके तैयार हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर। मिनटों का काम सेकेंडों में हो जाता है। देखो घी बन के तैयार हो रहा है। बस और 2 मिनट में ये बन जाएगा। गैस के ऊपर ना ये जो हांडी है ये इधर उधर होती रहती है, इसलिए मेरे को परेशानी होती है, तो मैंने चिमटे से पकड़ा हुआ है इसको। अब ये घी बन के तैयार हो गया। अब चारों तरफ से पक चुका है अच्छे से। अभी इसको सारा मैंने पोंछ लिया इसको और बस गैस को कर देंगे बंद। इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे फिर इसको छान लेंगे। अब इसको मैं, ये ठंडा हो गया है तो थोड़ा इसको मैं छान लूँ। ये देखो जो इसके नीचे से निकलता है, तो मैं इसका क्या करती हूँ, इसको मैं आटे में गूंथ लो और इसका पराठा बना के खाओ, बहुत टेस्टी बनता है। नमक मिर्च डाल के इसको पराठे में बना के खाओ, एकदम खस्ता पराठा बनेगा इसका। नमक मिर्च सारा डाल के, ये देखो इतना सारा घी 1 हफ्ते का बनाया है मैंने। अमूल दूध की थैली होती है, उसमें जितना ही मलाई निकलती है। और अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें।